हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा वीडियो है और आप इसको देख करके सीखिए और घर में इसको याद करिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसको हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आप जितना अच्छा से इसको याद कर लेंगे और समझ लेंगे, आगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में या अकाउंट्स बनाने में, आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और वो है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और यहाँ है नॉमिनल, शायद आपको दिख रहा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, इसको वास्तविक खाता और इसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता। वीडियो दिख रहा है क्लियर? देखिए पर्सनल, रियल और वहां है नॉमिनल। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल हम लोग पढ़ेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपका नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप इसको रिपीट कीजिएगा। अब देखिए इसमें पहले, अब आप कहेंगे गोल्डन रूल्स हम कहाँ यूज करेंगे, इसका कैसे प्रयोग होगा। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको हम पढ़ाए हैं, मेरा पुराना चैनल जो अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पूरा पढ़ाया हुआ कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या पार्ट्स आएंगे। पर्सनल अकाउंट्स में ऐसा ही हम बेसिक बात समझा रहे हैं क्योंकि अभी इसको लंबा यहाँ नहीं करना है। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट्स रिलेटेड करता है पर्सनल अकाउंट से, एक तो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो डिटेल में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। बट गोल्डन रूल्स का जब आप यूज पढ़ेंगे तो गोल्डन रूल्स के यूज में आपको सिंपली पर्सनल अकाउंट ही याद रखना है, उसका रूल्स क्या अप्लाई करेंगे डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। और रियल अकाउंट्स में भी दो पार्ट है आपका, इंटेंजिबल रियल और टेंजिबल रियल और इंटेंजिबल रियल आप कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल में भी पार्ट होता है अलग अलग, और यहाँ सिर्फ आप रूल याद रखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब जल्दी जल्दी एक बार रिविजन करें इसको, और बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस रूल के बिना आपको जर्नल एंट्री करने में, अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा। हालांकि मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से भी आप कर सकते हैं जर्नल एंट्री, बट अगर इसको भी आप दिमाग में रखें तो और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट का रिपीट करें, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। जल्दी जल्दी थोड़ा बोलेंगे, सीखेंगे हम लोग इसको टर्म ट्यूशन के जैसा, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। और रियल का डेबिट और कंसीडर एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। और तीसरा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसको आप बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो देखिए, आप याद करेंगे तो इसको कैसे रूल्स को अप्लाई करते हैं हम लोग जर्नल बनाने में, या फिर और भी कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा ये रूल कि कहाँ किस चीज़ को लिखना चाहिए और कहाँ किस चीज़ को नहीं लिखना चाहिए। और डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करने में एस्पेक्ट्स को आपको सुविधा होगी। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ना ट्रांजेक्शन्स के बारे में कि ट्रांजेक्शन्स के लिए कितने एस्पेक्ट होना जरूरी है, मिनिमम टू। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं और पहले आज फिर बोल दे रहे हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन से मिनिमम टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट, मिनिमम टू एस्पेक्ट्स हो। अब दो एस्पेक्ट्स में कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, वहाँ आपको ये गोल्डन रूल बहुत मदद करेगा। इसको याद कर लें, एक बार रिपीट करें, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, डेट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और छोटा छोटा वीडियो और हम इससे रिलेटेड आपको डालते रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।